अस्सलाम वालेकुम। सरगोधा यूनिवर्सिटी की तमाम एजुकेशन की अपडेट लेने के लिए सरगोधा यूनिवर्सिटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें ताकि आपको सरगोधा यूनिवर्सिटी की तमाम एजुकेशन की अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो सरगोधा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बार बार पूछा जा रहा है जी सवाल कि बीए बीएससी एडीपी के जो एडमिशन है वो कब होंगे। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि सरगोधा यूनिवर्सिटी में पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि आपके एडमिशन और रजिस्ट्रेशन एक साथ ही ओपन होती है सरगोधा यूनिवर्सिटी की। और उसके बाद ये भी आप लोगों को इन्फॉर्म कर दें कि एचईसी की एक न्यू पॉलिसी आई है कि जो एडीपी है वो अब एनुअल सिस्टम में ना करवाई जाए। ठीक है, बल्कि सेमेस्टर सिस्टम में करवाई जाए। ठीक है, यानी कि अब चार सेमेस्टर होंगे एक साल के, दो सेमेस्टर होंगे। ठीक है, अब आप लोगों को सेमेस्टर सिस्टम में एडीपी करना पड़ेगा। ये है कॉलेजेस के लिए। ठीक है, ये पंजाब यूनिवर्सिटी को ऑर्डर हो चुके हैं, सरगोधा यूनिवर्सिटी बाकी यूनिवर्सिटियों को भी इंशाल्लाह एचईसी बहुत जल्द इन्फॉर्म कर देगी और वो भी नोटिफिकेशन इंशाल्लाह बहुत जल्द ओपन हो जाएंगे और आप लोगों के सामने नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो अब एडीपी जो है ना वो सेमेस्टर सिस्टम में करवाया जाएगा। ठीक है, ये न्यू अपडेट है। और बाकी पीछे रह गए प्राइवेट कैंडिडेट के लिए अभी फिलहाल मीटिंग चल रही है एचईसी और यूनिवर्सिटियों के दरमियान, जिसमें डिसाइड होगा कि प्राइवेट कैंडिडेट को सेमेस्टर सिस्टम में अलो किया जाए या फिर उनको रवायती तरीके जो पहले जैसे एनुअल सिस्टम में दे रहे हैं वैसे। अब अगर तो एनुअल सिस्टम में होगा तो फिर तो आपको कंपोजिट इम्तिहानात भी देने की परमिशन होगी, लेकिन अगर सेमेस्टर सिस्टम आ गया तो फिर आपको चार सेमेस्टर पूरे करने पड़ेंगे, यानी कि आपको पूरे दो साल लगाने पड़ेंगे, यानी कि सेमेस्टर वाइज आप लोगों को अपनी तालीम पूरी करनी होगी। ये नुकसान होगा उन स्टूडेंट का जो कंपोजिट देना चाहती हैं। तो इसलिए प्राइवेट कैंडिडेट के लिए अभी फिलहाल कोई भी ऑप्शन नहीं है। एचईसी की पॉलिसी जारी होगी तो फिर डिसाइड होगा कि आप लोगों के एडमिशन कब होंगे। क्या एचईसी प्राइवेट कैंडिडेट को भी, क्या सरगोधा यूनिवर्सिटी के ऊपर भी लागू करेगी या सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी के ऊपर ही लागू करेगी, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी को नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। बाकी इंशाल्लाह बहुत जल्द सरगोधा यूनिवर्सिटी के रिलेटेड भी आप लोगों के साथ अपडेट शेयर कर दी जाएगी। तो बाकी जो एडमिशन है सरगोधा यूनिवर्सिटी के बीए बीएससी एडीपी के, वो इंशाल्लाह बहुत जल्द ओपन हो जाएंगे। इंटर का रिजल्ट आ चुका है, तो बस आप लोगों ने थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि अभी एचईसी के साथ यूनिवर्सिटियों की मीटिंग चल रही है, क्योंकि कुछ पॉलिसियाँ चेंज हो रही हैं एडीपी को लेकर, एमए एमएससी को लेकर। इसलिए ये सारी मीटिंग है, ये यूनिवर्सिटी के हाथ में नहीं है, ये हायर एजुकेशन कमीशन जो है ना वो डील करता है, यानी कि एचईसी। जो एचईसी ने कहना यूनिवर्सिटियों ने वही करना है, यूनिवर्सिटी ने अपनी तरफ से कोई भी पॉलिसी कुछ भी नहीं करना, जो भी ऑर्डर एचईसी की तरफ से आती है वही ऑर्डर यूनिवर्सिटियां फॉलो करती हैं। तो इसलिए इंशाल्लाह आप लोगों के जो एडमिशन के रिलेटेड अपडेट है वो इंशाल्लाह इसी मंथ के एंड तक अनाउंस कर दी जाएंगी, तो तब इंशाल्लाह आप लोगों के साथ अपडेट शेयर कर दी जाएगी। अभी फिलहाल आप लोग वेट करें, बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं बार बार एडमिशन को लेकर। तो जैसे ही इंशाल्लाह ऑफिशियली अनाउंसमेंट होती है एचईसी की जानिब से तो आप लोगों को सरगोधा यूनिवर्सिटी की तमाम डिटेल मिल जाएगी। दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।